चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि हरप्रीत बोरोड 20,000 फ्रॉम हर फ्रेंड। जो हरप्रीत है वह अपने दोस्त से 20,000 रुपया ली जिसका ब्याज था 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। कौन सा इंटरेस्ट? सिंपल इंटरेस्ट। पहले तो क्लियर करो कि रुपया ली कितना, वो क्या हो गया प्रिंसिपल पी हो गया। रेट कितना था? रेट कितना था? 12% और पर एनम क्या था? सिंपल इंटरेस्ट है कि कंपाउंड इंटरेस्ट है? सिंपल इंटरेस्ट। ध्यान दो क्या क्या बात है। फिर दूसरा सील लैंड उसने दिया एट आलम। किसको दिया? आलम को। सेम रेट पर, यानी रेट सेम है, क्लियर है? 12% बट कंपाउंड एनुअली। अब देखो खुद ली है सिंपल इंटरेस्ट पे और अपने दोस्त को दी है कंपाउंड। समझ में आ रहा है ना? सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में यही अंतर होता है कि कितना भी ब्याज तुम सिंपल में दोगे और उसी को ब्याज कंपाउंड में दोगे तो थोड़ा सा अमाउंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट को हिंदी में कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, वृद्धि ब्याज, वृद्धि होना, बढ़ जाना। किससे बढ़ जाना? सिंपल इंटरेस्ट से बढ़ जाना। तब बताइए कि उसको कितना गेन हुआ। गेन माने लाभ, नाफा, फायदा। कितना क्या उल्लू बनाई? 2 साल में, 2 ईयर्स में, यानी टाइम भी दिया हुआ। अब इसका हम सॉल्व करते हैं, ठीक है? समझ गए क्वेश्चन? भाई सिंपल में समझो, एक लड़की है जो एक अपने दोस्त से 20,000 रुपया उधार दी। जो लड़की उस लड़की को 20,000 रुपया उधार दी वो क्या की? बताई कि देखो मैं आपसे 12% पे दूंगी सिंपल इंटरेस्ट जोड़ूंगी, जितना साल रखोगे उतने साल का ब्याज देना होगा। इसने क्या किया ना, हरप्रीत बड़ा तेज निकली, वो वही पैसा को अपने दोस्त आलम को दे दी और कह रही कि सुनो हम तुमको उसी ब्याज पर लेंगे इस ब्याज पर हम लिए हैं, बट हम तुमसे कंपाउंड इंटरेस्ट लेंगे। कौन सा इंटरेस्ट लेंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट लेंगे, यानी कुछ फायदा कमाना चाहती है। कितना फायदा कमाना चाहती है वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन बिल्कुल थर्ड नंबर की तरह है। थोड़ा बोला था ना कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सीआई और एसआई, सेम वही क्वेश्चन है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सीआई और, देखो ना ऐसे निकालना पड़ेगा, यहां पे क्या निकालना पड़ेगा? सीआई। कितना लाभ हुआ, यानी डिफरेंस निकालने तभी पता चलेगा ना कितना लाभ हुआ कितना नहीं। अरे भाई तुम 5 रुपए कलम खरीदते हो, 7 रुपए में बेचते हो तो तुमको लाभ कैसे पता चलेगा? घटा होगा तभी ना, 7 में से 5 के तो 2 रुपए का लाभ होगा। वही सेम क्वेश्चन 3 नंबर का है, फिर भी बना देते हैं, समझा देते हैं। और आप तेज बच्चे हो तो वीडियो को पॉज कर दो, बनाओ, फिर मेरे साथ आंसर को मैच करो। आंसर मैच कर दो, यू आर द बेस्ट। नहीं मैच किया, यू आर द नेक्स्ट, पर नेक्स्ट ट्राई करो। क्लियर है? देखिए पी आपका कितना दिया है बेटा? 20,000। आर कितना दिया है? 1200। और टाइम कितना दिया है? 2 ईयर्स। सबसे पहले क्या निकालना है हमको? SI का फॉर्मूला पता है। अब आप लोग भी मेरे साथ बोलो भाई, हम थक गए हैं बोलते बोलते, वीडियो वाले बच्चे बोलो। पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। पी कितना है? 20,000। हाँ 20,000 बोल सकते हो, चलो कोई बात नहीं, 20,000। आर कितना है? 12। आर टाइम कितना है? 2। बार बार क्यों बोल रहे कि मैं यही ना है आपको? 22,100 डबल दिनों से डबल दिनों क्या हो गया? कट गया। 24 दुना 48 0 ये आपका आ गया SI। गुड आउट। आंसर मत लिखना, ये आंसर नहीं हुआ, ये आपका SI हुआ। अब क्या निकालना पड़ेगा? अमाउंट निकालोगे तो ना सीआई निकालोगे, डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, बट हम नहीं चाहते कि आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो। धीरे धीरे वीडियो में बताएंगे कैसे, अभी फिलहाल ऐसे ही बताएंगे। अभी 8 क्लास के बच्चे हो, आपको पूरा सॉल्व करना है, अच्छे से सॉल्व करना है। 5 नंबर के क्वेश्चन है, आपको नंबर मिलेगा एग्जाम में। क्लियर है? ए निकालते हैं, ए का फॉर्मूला बोलो। P into 1 plus R by 100 के पावर। हम सीधा चलते हैं, ठीक है ना, इसमें नीचे नहीं चलेंगे। पी का वैल्यू कितना है? 20,000। 1 प्लस आर की वैल्यू 12 by 100 के पावर। कटा सकते हैं, चलते हैं, 12 25 4 100 है। 20,000 1 by 1 plus 3 by 25 के पावर 2। गुड आउट। यहाँ तक एलसीएम निकाल लो, फिर यहाँ से 20,000 25 25 प्लस 3 के पावर 2
20,000 28/25 के पावर 2 इन दोनों को जोड़ दिए, क्लियर है? इसको कितने बार लिखेंगे? दो बार, बोलो ना बेटा। किसका वेट कर रहे हो? देखो 25 चौका 100 है तो 25 8 200 और डबल जीरो है तो डबल जीरो। अब बताओ कितना से कटेगा? यहाँ पे देख लो, अगर 25 5 बार नहीं कट जाएगा तो ये 16 50 80 ठीक है, और ये भी कट जाएगा कितना बार में? 32 बार में, बोलो। सही है, सही है, हाँ जी सही है। फिर भी आंसर देख लिया जाएगा, क्लियर है? 28 में 28 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 784 शायद, बोलो। यस सर। 28 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे जाएगा 784, फिर इसमें 20 32 से मल्टीप्लाई कितना आएगा जी? 25088। लड़का तेज है, बना के पॉइंट्स रखा है, वाह जी। चलिए तो 25088 हो गया। आंसर गलती हो तो फिर पिटाई होगा आपका यहीं पे, नहीं जी ऑनलाइन नहीं मारते हैं। चलिए तो ये क्या निकल गया मेरा अमाउंट। ये वीडियो थोड़ा सीधा नहीं दिख रहा है तो थोड़ा ऐसा दिख रहा है, अगर आपको दिक्कत होगा तो कमेंट में लिख के भेजिएगा, इसको दोबारा से बना देंगे, ठीक है? आप थोड़ा आराम से वीडियो को पोस्ट करते करते लिखते चलिएगा। फिर क्या निकल गया बेटा हमको? सी आई का फॉर्मूला ए माइनस बी, ए दिख रहा है, अब पी भी पता ही है, टोटल हो गया इतना, कोई डाउट? ये भी आंसर नहीं है। अब क्वेश्चंस क्या आते हैं कि फ्रॉम क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि उसने कितना लाभ कमाया, कितना गेन हुआ उसको, कितना प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट कब ना होगा? प्रॉफिट या गेन बराबर सी आई माइनस एस आई। सी आई कितना था, एस आई कितना था, कितना आएगा जी? कुछ इतना आएगा का? बिल्कुल राइट आंसर है, आप लोग बुक से मिला सकते हो उसको, 288 रुपीज का उसको प्रॉफिट होगा, क्लियर है? उसने मतलब जो उनका, उसने अपने हरप्रीत को दी कितना, 4800 रुपया ब्याज एक्स्ट्रा, और अपने दोस्त से ली कितना, आलोक से, आलोक नहीं आलोक से ली 5088 रुपया, उसको कितना का फायदा हुआ? 288 रुपया का फायदा हुआ। वो मुर्गा उर्गा खा सकती है आराम से, ऐसे भी हरप्रीत है, हरप्रीत है ना, आलोक खा सकते, तो आलोक के तो नुकसान हो गया। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।